हेलो हेलो यहाँ काला के मेरे प्रिय साथी सुनिए काला वासी सुनिए सुनिए हेलो हेलो काला के मेरे ठीक है जाए अपने अपने घरों को जाए, आपस में ना लड़े, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। हम मौजूद हैं टाला क्षेत्र में जहाँ पर पूरा विवाद जो है वो सामने आया है। आप देख सकते हैं मैं ठीक सामने मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी एक आरएएफ का जवान जो है वो भी यहाँ पर घायल हुआ है। आप देख सकते हैं कि उसको लेकर के जाया जा रहा है और ये टाला क्षेत्र का इलाका है और यहीं पर ही जब जुमे की नमाज होने के बाद यहाँ पर एक समुदाय के जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं, नारेबाजी करते हैं और पथराव भी होता है। आप सड़कों पर भी देख सकते हैं कि ईंटें आपको दिखाई दे रहे होंगे, सड़कों पर भी ईंटें ये बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा जो है वो पथराव जो है वो हुआ है। हम आपको सामने की भी तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं ठीक सामने अभी भी काफ़ी जो लोग हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हैं और पुलिस भी जो है वो भी अब धीरे धीरे बैकफुट पर नज़र आ रही है। एसएसपी साहब जो हैं अजय कुमार वो भी आप देख सकते हैं हेलमेट लगा करके वो आगे जा रहे हैं और समझाने का जो दौर है वो भी जो है वो लगातार जारी है। लेकिन उसके बावजूद भी तकरीबन बता दें 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है लेकिन अभी जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में जो है जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है, अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर जवान तैनात है। इधर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो लोग हैं वो यहाँ पर जमा हुए हैं। हालाँकि आपको हवाई फायरिंग की भी जो है आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो मौका पर हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ मनीष त्रिपाठी भी हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी सड़क जो है वो सुनसान है। हमेशा इस सड़क में आवागमन होता था लेकिन आज जुमा की नमाज़ के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो इंसानियत को शर्मसार ज़रूर करती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रशासन के भी यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर जमा हैं, आप देख सकते हैं, और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जो है वो यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन आप ठीक सामने भी देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो लगातार जो हैं वो पथराव कर रहे हैं और पुलिस के लोग उनको समझाने की और
कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन पथराव जो है वो भी और हवाई फायरिंग भी की जा रही है। आपको ठीक सामने का जो नज़ारा है वो आपको दिख रहा होगा कि ठीक सामने जो है आपको धुआं दिख रहा होगा, और ऐसे में यहाँ भी आपको पत्थर दिख रहे होंगे। ये अटाला चौक का पूरा ये इलाका है, चौक से सटा ये पूरा क्षेत्र है, और पीछे जो लोग हैं वो भी आप देख सकते हैं कि पीछे पुलिस प्रशासन है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जो स्थिति है वो सामान्य होती हुई नज़र नहीं आ रही है, हालांकि पुलिस कोशिश तो पूरी कर रही है कि स्थिति को सामान्य कर ले। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष त्रिपाठी के साथ सैयद आकिर रजा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।